हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक विप्रो का लाइट लेके आया हूँ, जो कि मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ। और ये जो दोस्तों विप्रो का लाइट है, ये क्या है कि बिल्कुल लेटेस्ट लाइट है। तो ये इसका आपको एक भी रिव्यू नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, क्योंकि ये पिछले महीने ही शायद लॉन्च हुआ है। मैंने इसका देखा था तो ये मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा और काफ़ी अच्छा सा लगा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है, और अगर कुछ फ्लॉ मिले हमें तो वो भी हम देख लेंगे इसका। और मैं खोल के इसको दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, बेसिकली ये क्या है, एक जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है तो टेबल लैंप जैसा है ये। बाकी देखते हैं इसको अच्छे से। इसमें दो तीन चार फीचर हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बॉक्स का पैकेजिंग है कुछ इस तरीके का है, ठीक है। विप्रो प्रिज्मा ये मॉडल है, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये आपको अभी फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल नहीं हुआ, सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड इसका मई 2019 को है, ठीक है। कैट नंबर, ये जो बेसिकली इनके मॉडल नंबर है CL0007। इसके दो तीन वर्जन आते हैं दोस्तों, जिसके मैंने दो के तो मैंने वीडियो डाल ही रखे हैं, दो विप्रो के टेबल लैम्प के मैंने वीडियो डाल रखे हैं। तो उनका शायद CL0005 वगैरह मॉडल था, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ये विप्रो का है, नेट क्वांटिटी 1 है, MRP इस पर 990 रुपये लिखा है, लेकिन मुझे दोस्तों अराउंड 500-600 के अराउंड पड़ा है, ठीक है। मैं आपको रेट वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रिज्मा LED टॉर्च कम लैंटर्न, तो दोनों चीज़ें हैं जैसा कि आप बॉक्स पर देख पा रहे हो, टॉर्च भी है और लैंटर्न भी है, ठीक है। देखते हैं इसको क्या है इसके अंदर। बाकी डब्बे में के ऊपर तो जितना आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, देखिए ओवरचार्ज एंड डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन है, ठीक है। दोनों चीज़ें, ज़्यादा चार्ज भी नहीं होगा और ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। रिचार्ज टाइम लिखा हुआ है 12 से 15 घंटे, ठीक है। ऑपरेटिंग टाइम लिखा हुआ है 3 घंटे स्ट्रांग लाइट में, 14 घंटे वीक लाइट में, और 4 घंटे टॉर्च का लिखा हुआ है। टॉर्च का देखिए दोस्तों 3 वाट दे रखा है, और इमरजेंसी 0.5 वाट के 8 पीसेस के LED लगे हुए हैं। देखिए ये वाले मैं दिखाऊंगा आपको, इसके अंदर जो होंगे, चलिए वो तो ये बॉक्स खोल के दिखाई दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो इसके बॉक्स को खोलते हैं, बाकी डब्बा तो वैसा ही है, चलिए ठीक है। पहले ये ऐसा कुछ प्लास्टिक सा है, इसको निकालते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी 2-4 वीडियो बनाए इस पे विप्रो के, उसमें भी मैंने दिखाया था आपको कि वारंटी 6 महीने की होती है इसकी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 6 मंथ्स वारंटी। तो 6 महीने में अगर आपका ख़राब होता है तो आप इसको बिल्कुल ही बदल सकते हैं, वैसे तो ख़राब नहीं होता ये, ठीक है। तो ये है रिमूव बिफोर यूज़ करने से पहले इसको हटाना है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। एक और टेप है, इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके का है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए एक जो है यहाँ पे एक 3 वाट वाला LED है, ठीक है, जो मेन टॉर्च का है। और यहाँ पे कुछ ग्रिप सा बना हुआ है, देखो आप ग्रिप सा बना हुआ है ताकि इसको आप अच्छे से फिट हो सके हाथों में, ठीक है। तो मुझे एज अ टॉर्च और एज अ, ये देखिए दोस्तों, ये जो कुछ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है और ये एडजस्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा था और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, तो मैंने सोचा कि पहले मंगाता हूँ मैं और देखते हैं इसको चला के, ठीक है। तो काफ़ी हल्का सा, ज़्यादा भारी नहीं लग रहा मुझे, हल्का हल्का सा लग रहा है। इसके बाकी जो चीज़ें थी, बाकी जो टेबल लैम्प वगैरह थे, वो थोड़े भारी थे क्योंकि उसमें बड़ी बैटरी थी। इसकी बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितनी एम्पियर की बैटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 3.7 वोल्ट 1200 mAh बैटरी। तो बैटरी काफ़ी मतलब उतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो पैसे भी इसके खास नहीं है दोस्तों, 500-600 के अराउंड का था ये, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने 3-4 दिन हो गए इसको मंगाया मुझे। अब रहा सवाल, ये देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से जल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये वाली जो चीज़ है इसकी, ये काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे फील होता है जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये जल जाएगा। ये इसका दो मोड है, एक वीक लाइट और एक स्ट्रांग लाइट, ठीक है, दो मोड हैं इसके, और इससे ये एडजस्ट होता है। ये तो रहा टॉर्च का बात, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये वीक लाइट है, ये स्ट्रांग लाइट है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका, इसके टॉर्च की बात। अब हम इसके, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं, अब हम इसके इसको खोलना चाहेंगे ना, ये देखो ये अपने आप पता नहीं कैसे जल रहा है। अच्छा, ये ऑन करने के साथ ही जल जाता है क्या? अच्छा, यही सिस्टम है इसका, देखो
अभी देखिए ये ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक हल्का सा सॉकेट सा दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपका जो है नाखून अच्छे से चला जाएगा, और जिसको आप जैसे खोलोगे वैसे ये जल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जल रहा है, लाइट ठीक ठीक ही है। एक बड़ा, एक सेकेंड, ओके। सो अगर मैं चाहूँ इसको कि मैं इसको खुले होते हुए मैं इसको बंद करना चाहूँ तो ये बंद नहीं होगा। कहने का मतलब मैं चाहता था कि देखना कि इसमें कितने एलईडीज वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बंद ही नहीं होगा। और जब तक ये जल रहा है तो ऐसा एहसास हो रहा है कि एक ही बल्ब है, लेकिन आप बहुत देर तक आप देखोगे तो आपको लगेगा कि छोटे छोटे एलईडी लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए थे कि 0.5 वाट के 8 एलईडी लगे हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मुझे चार चार दोनों तरफ 8 एलईडी लग रहा है, एहसास हो रहा है कि है इसमें, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको बंद करूँ, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नॉच दिया हुआ है, ये देखो ये वाला, ये वाली चीज, ओके। सो अगर आप इसको चाहते हो, ये मैंने समझ लिया इसकी बात। देखो अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूँ तो ये आप इसको देख पाओगे, ठीक है। चलो वैसे भी पता नहीं चल रहा कि इसमें कितने एलईडी लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें 8 एलईडी लगे हुए 0.5 वाट वाले। तो अगर आप इसको मैन्युअली बंद करना चाहते हो तो आपको ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो प्रेस करने वाला छोटा सा लग रखा है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि दोनों चीज़ें एक साथ करना, जो कि मुझे नहीं लगता कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो ये ऐसा किया मैंने दोनों चीज़ों को, और दोनों चीज़ों को जला लिया, ठीक है। ठीक है फिर, मतलब मल्टीपर्पस यूज़ के लिए है। बाकी देखा जाए तो चीज़ें जितनी ज़्यादा होती है उतना मतलब डिज़ाइन को भी थोड़ा वीक बनाती है। तो इसकी डिजाइनिंग की अगर हम बात करें थोड़ी सी कि कैसी है, फर्म है कि नहीं है। अच्छा उससे पहले हम इसके टॉर्च की, इसके चार्जिंग की बात कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए एक ये 2 पिन निकलता है इसमें से, जो कि आपको चार्ज करेगा इस लैंप को, ठीक है। उसके बाद ये इंसर्ट हो जाएगा अंदर की ओर। तो यहाँ पे एक नट लग रखा है, ठीक है, सॉरी लैंप वाले सेक्शन को कनेक्ट करती है मेन बॉडी से, ठीक है। तो और ये रह गया आपका 2 पिन वाला चार्जर, यहाँ पे विप्रो का स्टिकर, और यहाँ पे ये ऑन करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा नट सा लग रखा है, प्लास्टिक का ही है, ठीक है, जो मुझे लगता है ठीक ही ग्रिप देता है। देखो ये लग गया टक से आवाज आके, तो ठीक है। मुझे लगता है 500 550 के अराउंड में ये बिल्कुल सही चीज़ है लग रहा है मुझे तो। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी ये ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का सा है बिल्कुल, तो पोर्टेबल है, इजीली पोर्टेबल है। इससे पहले अगर आप देखो कि विप्रो के एमरलैंड वगैरह जो हैं वो आते हैं टॉर्च, बड़े वाले आते हैं, वो काफ़ी बड़ा सा होता है, वो भारी भी होता है और वो चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो चलो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसके तो रेटिंग वगैरह रिव्यू वगैरह काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो है बिल्कुल मार्केट में नया है, तो अगर आपको कोई ऐसी हैंडी चीज़ की ज़रूरत है, और दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि मल्टीपर्पज़ काम करे, तो आप इसको ले सकते हो। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, अमेजन पे ही अवेलेबल है सिर्फ, अभी ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो और मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में, एक चीज़ जो है मेन चीज़ है वो कि इसकी जो है इंडिकेटर दिखना चाहिए कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं, ये हम देखना चाहेंगे इसमें कि कहाँ पे है इसका इंडिकेटर। तो मैं इसको चार्ज में लगा के देखता हूँ कि ये इंडिकेट करता है कि नहीं, ठीक है। एक सेकंड में चार्ज में लगाता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देख लिया है इसका ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्जिंग इंडिकेटर है जो कि रेड जलता है जब आप इसको चार्ज कर रहे होगे। तो मेरा अंदाजा है कि जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अभी मैंने इसको जला के देखा चार्जिंग करने के लिए तो ये रेड जल रहा था। तो जैसे आप इस सॉकेट को लगाओगे लाइट में तो ये यहाँ पे रेड जलेगा। तो ये दोस्तों देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, इससे क्या है आपको पता चलता है कि कोई चीज़ चार्ज हो रही है या नहीं चार्ज हो रही है। क्या है कि विप्रो का एक मैंने टॉर्च देखा था जो अराउंड 1000 रुपये का था, उसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसमें ये चार्जिंग इंडिकेटर नहीं था। तो अगर जब भी आप कोई टॉर्च वगैरह खरीदो या कोई भी लैंप वगैरह खरीदो तो ध्यान रखो कि उसका चार्जिंग इंडिकेटर हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि लैंप जो है वो चार्ज हो रहा है या नहीं चार्ज हो रहा है, ठीक है। वैसे पता नहीं चलता लोगों को, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन काम। अगर दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं कभी कभी वीडियो लाता हूँ, डेली तो नहीं ला पा रहा, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।